के जूता कस के बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। चलेंगे हम हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। ये सोते भी है टेंशन, आगे रहने की है टेंशन, मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी है। ये ऑमलेट पर ही जीते हैं, ये टॉनिक ये हमारे लिए ही बना है, 10 दिन ना नाम पता ही चलता। दिखाते तान के सीना बढ़ते जाते। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा। देख भाई देख। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो, हैव अ सीट। So, how may I help you? इसको SSC और इसको बैंकिंग करना है। ओह, तो ये बात है। आपको पता है तो सही जगह पे है, क्योंकि ये यहाँ का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। फी बहुत ही कम है, only 50,000। सीधे मैम, चेक या कैश? जैसे आप चाहें। जैसे सर की बच जाए ना सीटी, तब तक मार रट्टा मार, हो पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार, रट्टा मार रट्टा मार। चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से दूता, खिस खिस के भेजा कर ले तेज धार यार, रट्टा मार ओ रट्टा मार। भूल जाए वरिष चढ़ जा तू किताबों के पहाड़, 100 बार रट्टा मार, ओ टकपक टकपक ब्रेन को तोड़ा उसको चाबुक मार, जोरदार रट्टा मार। चल के मिलेगा क्या लेगा क्या तू। इतनी अच्छी रिसर्च दिखा कर, इतने अच्छे ऐड लगा कर, हमें लगा अच्छी तैयारी होगी, यहाँ तो कुछ भी नहीं होता यार। ये लोग समझ नहीं रहे, हमारी फैमिली इतनी मुश्किलों से एक एक पैसा जोड़कर हमारे पढ़ाई के लिए पैसे भेजती है और सिर्फ पैसा बर्बाद।
हाँ यार, हमने सोचा कि अच्छा संस्थान है, यहाँ ज्वाइन करके हमने सोचा कि अच्छा प्रिपेयर करवाया जाए, क्योंकि यहाँ तो टाइम बर्बाद हो ही रहा है, पैसा भी बर्बाद है, अब इतना काम से हम कर भी कह सकते हैं इसके भरोसे में तो नहीं करवाए कुछ। हम आज दोपहर में 1 बजे आएगा। तेरे बेटा जो सरकारी अफसर बन के निकलेगा। यार खुदा, मुझे पता है कि मैंने बहुत सी गलतियां की जिसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तीसरी बार मैं सरकारी नौकरी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर इस बार मेरा नहीं निकला तो मेरे परिवार वाले काफी मुसीबत। हे भगवान, मेरे घर वालों को लगता है कि उनका नाराज बेटा कुछ कर सकता है। अगर मैं कुछ कर सकता तो बस इस बार इंग्लिश पास कर पाऊंगा। हर महीने एक ही जगह घर से तो बाहर निकलता ही नहीं था बंदा, पढ़ाई करता था, यूपीएससी निकलेगा, जानता है लड़के लोग, इन लोग को जानता है चूल्हा चौका करना, यूपीएससी निकालना आया था पता है। आराम से जाओ, चूड़ी पहनो और चूल्हा चौकी करो, समझे, वही ठीक रहेगा तुम लोग के लिए, वही काम है तुम लोग। देखो ये पढ़ने की, जा बाबू जाए तो मंदिर उंदिर में जाओ, वहाँ पे घंटा उंटा बजाना, वही ठीक रहेगा। जानते कहा लूजर लोग से बात करा, चल चल निकलना अपना लाइफ। चलो यार क्या था, चलना है क्या घूमने? वो जो यूपीएससी टॉपर आया था ना, हाँ कुछ नहीं हुआ यार, लाला था हम लोग के ऊपर। हाँ यार, पापा का फोन आ रहा था, करूँ बात करो ना, बहुत डर लग रहा है, बात तो करना पड़ेगा ना, बात करके देखो क्या बोल रहा है। हाँ पापा, हाँ रिजल्ट आ गया, नहीं हुआ पापा इस बार। हेलो पापा, हेलो हेलो पापा, बिना कुछ बोले फोन काट दिया यार, क्या करूँ, अब तो पक्का इस बार मेरी शादी करा ही देंगे, क्या करूँ यार। अब मेरी भी तो यही प्रॉब्लम है यार, अब मैं बोली इतनी मुश्किलों से इतने लोगों की बातें सुनने के बावजूद मुझे लगातार सपोर्ट किया है, क्योंकि उनको लगा कि उनकी बेटी कुछ तो ऐसा करेगी जिनसे उन लोगों का मुंह बंद हो जाए, लेकिन मैं इस साल फिर से फेल हो गई। और मैं भी परेशान हो गया ये सरकारी नौकरी के चक्कर, एक तो मैं गांव से ऊपर से इंग्लिश आती नहीं, मुझसे नहीं होगा ये कॉम्पिटेटिव वगैरह।
तो मन में चला मेरे पास कोई चारा नहीं है। चलो अमन चलो सुसाइड की पड़ी थी तुझे? कहो मुनि कहो मर तुम कहो पूछो इसे। मैं मार रहा था या बचा रहा था? कहो मुनि सुसाइड करने चला था वो। क्या क्या किया मुनि? क्या बोल रहे हो? क्या हुआ मनीष? हाँ मैंने की सुसाइड की कोशिश की। क्या कर बाबूजी ने लोन ले रखा है, बहन की शादी नहीं हो रही। जब और लोगों के बच्चे छठी क्लास और आटेदार अंग्रेजी बोल रहे थे ना, तब ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल सीख रहे। हो जाता है सब कुछ, हो जाता है मैथ्स, हो जाता है रीजनिंग, नहीं हो पाती है। कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी नहीं आती है समझ। 30 में से 6 नंबर भी नहीं ला सकते। अगर ये बाबूजी को पता चले कि इस बार मेरा नहीं निकला तो वो मर जाएंगे, और उनको मरता देख मैं नहीं देख सकता। क्या बात है, तुझे क्या लगता है कि सुसाइड कर लेने से तुम्हारे घर में प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी? तुम्हारे पापा जो उम्मीद लगाए हुए हैं, तुम्हारी माँ जो कितने बार फ़ोन कर चुकी है तुझे रिजल्ट पूछने के लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पापा ने तो बात करने से भी इनकार कर दिया ना तुमसे। इतने एक्सपेक्टेशंस के बाद आप लोग को यहाँ पढ़ने भेजा सिर्फ इसी दिन के लिए। इस टिपिकल फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद आपने आज ये दिन लिया। हार गए अपने से, खुद कुछ करने से पहले ही हार चुके हो, और तुम लोग को ये लग रहा है कि सुसाइड सबसे अच्छा सोल्यूशन है। प्रॉब्लम क्या है? इंग्लिश 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 कैसे प्रॉब्लम हो सकती है किसी की? चल यार चल, नहीं होगा, हम लोग कल भी लूजर थे आज। रुको बहन, तुम सबके सवालों का जवाब अगर एक में दे दूँ तो इंग्लिश कैफे। लेकिन वो तो सिर्फ स्पोकन के लिए। मैं बताता, तुम लोगों से ज़्यादा बुरी हालत थी मेरी, लेकिन आज मेरे एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर है। सिर्फ एक कि मैंने सही समय पे सही फैसला लिया। तो क्या आप अपने आप को एक मौका नहीं देना चाहते? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, तो करें शुरुआत एक नई पहल की। तो चलो मेरे साथ। Yes guys, as you know that there are some new joinees, they have joined today, so let's move on to them. Yes, you, the new joiner, please stand. What's your name? Yes, Manish Kumar. Kaha se aap? Kyun join kiya English guy? Sir, teesri baar bhi UPSC ke liye join kiya sir. Isse to aap UPSC ke ka preparation kar rahe ho? Yes sir. English, English okay. And what about maths, reasoning? Sir, yes sir. Sit down. Still one. Yes, you the next one. Yes, you got preparation for SSC. SSC, better, you know, no issue. Yes, you the next one.
यस मिस साइना जी, आप किस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं? यूपीएससी। यूपीएससी एंड द सेम इशू आई सपोज इंग्लिश। यस यू सर। मैं अपना मन कर रहा हूं। यस मैं बैंक के बैंक बीओ। तो बैंक बीओ के बारे में आपको पता है इंग्लिश कितना मेजर चंक है वो? तो इंग्लिश में इश्यूज होते हैं। यस ओके प्लीज सिट डाउन एंड डोंट वरी एट ऑल एज यू हैव जॉइंड इंग्लिश कैफे। अब जब आप लोग मेरे शरण में आ गए हो तो फिर घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको वो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ाने वाला। बिखरा अंधेरा चमका सितारा जो तेरा अंबर पे आता दस्तखत कर दे, तू अब तलक था अधूरा होने ही वाला है पूरा, हद से गुजर जा तू हद कर दे, है चाह तो है रा ऑलमोस्ट सभी ने अच्छा परफॉर्म किया है, राइट? सबका एफर्ट बहुत शानदार है, सिर्फ कुछ लोगों राइट और कुछ लोग वो लोग भी अच्छे परफॉर्म किए हैं, लेकिन वो उस हद तक परफॉर्म नहीं कर पाए जितना उनको करना चाहिए, राइट? इनमें से चार लोगों के नाम है, बाकी सभी लोग ऑलमोस्ट परफॉर्म किए हैं। आप सभी लोग खड़े हो जाइए एंड क्लैप फॉर एवरीवन गाइस। Whoa!